हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज मिस्टर गैंग। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल से ही अपना करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए जिससे कि आप सभी लोगों को सही से समझ में आ सके कि करंट अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर आपको ले कर चलता हूँ प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है इंस्टाबिज, INSTABIZ। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया है जो कि ICICI बैंक का है। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पे जस्ट अभी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। तो अगर आपका पहले से ICICI बैंक में अकाउंट है तो आप इस पर लॉगिन करेंगे, नहीं तो अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, इसको हमें भरना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने किस पर्पज़ के लिए ये अकाउंट ओपन करना है आपको, तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करता हूँ। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर फर्स्ट नेम और कंपनी नेम आपको डालना है, जो भी आपका कोई भी बिजनेस है या कुछ भी है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना नेम डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो ईमेल आईडी भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि आप किस इंडस्ट्री में हो, क्या काम करते हो, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी हूँ। ओके, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट इंटरेस्टेड यहाँ पे, तो आपको क्या करना है करंट अकाउंट पे ओपन करना है। यहाँ पे करंट अकाउंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट एम पिन, जो कि आपको कोई भी चार अंकों का एम पिन यहाँ पे सेट करना है, और यहाँ पर कन्फर्म एम पिन में भी जो कन्फर्म एम पिन है उसमें भी आपको वही डालना है। तो मैं यहाँ पे ये सेट करके इसको सबमिट करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एम पिन अपना डाल दिया, अभी मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP वेरिफिकेशन होगा, तो अगर वो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं आता है तो रिसेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज भी हमारे पास आ चुका है। तो अभी यहाँ पे हमको इसको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपने चार अंकों का पिन डाला हुआ था वो पिन आपको यहाँ पर डाल के सबमिट करना है, तो आप यहां पे लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं इसको डाल के लॉगिन कर लेता हूं। इस तरीके का यहां पे इंटरफेसेस का दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे सबसे पहले आपको ओपन करंट अकाउंट पे क्लिक करना है। ओपन करंट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आगे की जो प्रोसेस है इसका पता चल जाएगा कि क्या आपको क्या करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स पहले आपको डालनी है। यहाँ पे आपका नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, और उसके बाद आपका जो भी नियर में यानी कि आसपास जो भी आपका ब्रांच है ICICI का उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कस्टमर टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो कस्टमर टाइप में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल करना है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ अपने लिए करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपका पहले से ICICI बैंक में कोई भी अकाउंट है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें आपको ये फिल करना है कि आपका जो पहले से जो ICICI बैंक में अकाउंट है वो किस टाइप का है। ओके, तो मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे
आर यू एन एग्जिस्टिंग पे इस पर नहीं क्लिक करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन है उस पर आप हमको क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो मैं ये सारे स्टेप फिल करके इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर जो भी डिटेल्स दी गई थी वो मैंने यहाँ पे सारी सबमिट कर ली हैं। अभी मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल नहीं है, तो उसको मैं दोबारा से फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी मुझे यहाँ पे फिल करना है, तो मैं उसको फिल कर देता हूँ। ओटीपी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। जैसे ही मैं प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पे आगे का जो ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके का यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जो एक और फॉर्म आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड ग्रॉस एनुअल इनकम, आपकी जो इनकम है वो कितनी है। तो मेरी यहाँ पे 1 लाख से नीचे है। तो यहाँ पे विच इंडस्ट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस इंडस्ट्री से हैं। तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स टर्नओवर, आपका टर्नओवर यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हाउ मच मंथली एवरेज बैलेंस डू यू एक्सेप्ट टू मेंटेन, आप मंथली बैलेंस यहाँ पे कितना करना चाहते हैं, यानी कि कितना आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेस देन 25,000 में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जीरो बैलेंस है। तो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बोथ सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे सॉरी बोथ नहीं, आपको अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको बोथ सिलेक्ट कर देना है। एंड अगर आपका ऐसा कुछ भी काम नहीं है तो आप नन पे क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम योर कस्टमर्स, कितना आप यहाँ पे कस्टमर से लेन देन कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको परसेंटेज में सेट करना है। तो ये यहाँ पे आप सेट करने के बाद जैसे इसको सजेस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी रैंक दिया जाएगा, वो आपको देखना है। ओके, मैं यहाँ पे आगे आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद मुझे यहाँ पे सजेस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे सजेस्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे SBA 2.0 स्लेवर ये जो रैंक है वो मुझे यहाँ पे दी गई है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्लेटिनम और गोल्ड की रैंक भी है, तो उसको आप सेलेक्ट करना कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको आगे करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे अपना पैन कार्ड का जो पैन नंबर है वो डालना है। तो पैन नंबर डालने के बाद मुझे यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस पे ऑथराइजेशन पे क्लिक करके आई ऑथराइज पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे KYC अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको ID प्रूफ यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो उसके बाद यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, टाइटल में आपको यहाँ पे क्या आप लिखते हैं, मिस्टर लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, कुछ भी जो भी आप लिखते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम ये डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है और मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डालना है। तो आप सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड हैं तो मैरिड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आपका फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम, लोकलिटी, लैंडमार्क और ये पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नॉमिनी का ऑप्शन है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी नॉमिनी फिल कर सकते हैं, अगर अदरवाइज इसको क्लोज रहने दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो मैं ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे आगे का प्रोसेस बताता हूँ। डिटेल फिल करके यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको यहाँ पे ये इसको ऑन रखना है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का जो भी
इनका रूल है वो यहाँ पे आपको फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर वाला ये ऑप्शन ओके कर लेना है, जिससे कि आपको जो भी यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन है कंपनी के ग्रुप की वो यहाँ पे आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो है यहाँ पे आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे इनको शेयर करना चाहते हैं, तो कोई भी नहीं शेयर करना चाहेगा तो यहाँ पे इसको क्लोज रहने देना है। एंड सेकंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे कि यहाँ पे इनका कोई भी सेम जो पहला वाला ऑप्शन है सेम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन भी है, तो ये भी आपको यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अब आपका होगा जो KYC का यहाँ पे सिलसिला है आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप इसको ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है इसको आप डालना चाहते हैं यहाँ पे, आप इसको देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपका पूरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे आप यहाँ पे इसका एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल्स डाली हैं वो सही हैं या नहीं सही हैं, तो सारी चीज़ें आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ, उसके बाद आपसे यहाँ पे आगे का मैं प्रोसेस यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपना पूरा जो रिव्यू आप देखेंगे, आपने सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लेनी है, कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो ये यहाँ पे जो बैक का बटन आपको दिखाई देगा, बैक जाके आप दोबारा से अपनी जो मिस्टेक है वो उसको क्लियर कर सकते हैं, और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट आके आप यहाँ पे इसको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट प्रेफर्ड अकाउंट नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे डाल के चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो अगर वो अवेलेबल होगा तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको 7 यहाँ पे जो 4 या 5 अंकों का यहाँ पे आपको ये डिजिट दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप अपना और जो आगे आप जो भी कुछ डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल के इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप यहां पे कंटिन्यू करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर करेंट अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट। ओके, अभी यहां पे इन्होंने बताया कि अवर एग्जीक्यूटिव विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली टू कलेक्ट अकाउंट ओपनिंग चेक एंड कंप्लीट अदर पेंडिंग बैंक फॉर्मेलिटीज, प्लीज़ कीप योर डॉक्यूमेंट्स हैंडली फॉर वेरीफिकेशन बाई ब्रांच एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर जैसे ही आप डन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा। तो ये आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुकी है, फिल होने के बाद यहाँ पे आपका ये करंट अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको बैंक के द्वारा कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड ऐसी ही और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।